चितरंजन थाना से मात्र 200 मीटर की दूरी पर एक क्वार्टर में आज दिन दहाड़े चोरी की ऐसी नाटकीय घटना हुई जिसे सुनकर लोग हैरत में पड़ गए। दरअसल चितरंजन रेल इंजन कारखाने में काम करने वाले वाई आर मूर्ति के घर में गुरुवार की सुबह करीब 10 बजे एक व्यक्ति जाता है और उसकी पत्नी से कहता है कि आपके पति को पुलिस ने पकड़ रखा है। चोर इतना साथी था कि उसने मूर्ति की पत्नी जगेश्वरी देवी को अपनी बातों से पूरी तरह से कंफ्यूज कर देता है और उसे सोचने समझने का मौका नहीं देता है। करीब 5 लाख रुपए के गहने और केस लेकर चोर रफू चक्कर हो गया। घटना की शिकायत चितरंजन थाने में की गई। किस तरह से घटना घटी हम आपको जगेश्वरी देवी और उसके पति वाई आर मूर्ति के शब्दों में ही सुनाते हैं। और आए एक जन लूट के मेरे को लेके चले गए। क्या हुआ, कैसे आए, क्या नाम है, कैसे कर? वो आए एक जन, दरवाजा टूटका है, दरवाजा खोली। अच्छा। खोलने के बाद बोल रहे कि आपके हस्बैंड को जो पुलिस ने पकड़ लिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में हरा गया है और उनको पुलिस पकड़े हुए, उनके 2 SS को, और उनको करके आपके घर आएंगे पुलिस, सब माने चेक करेंगे क्या क्या सामान है आपका, सोना गहना आधार कार्ड ATM जो भी है आप किसी और जगह छुपा दीजिए करके। तो हम बोले हम कहाँ छुपाएंगे, तो बोला ठीक है तब हमको दे दीजिए करके। तो चैन 5,000 रुपया, एक चांदी का बाटी, 2 ठोकान का हम उनको, और आधार कार्ड। तो वो लोग आके अपना क्या परिचय दिया? वो बोले हम ऑफिस से आए, हम चोरी छुपे आए हैं, हम उनका ऑफिस में काम करते हैं। उस वक्त घर पे कौन कौन था? मैं थी अकेले। अकेले थे? हाँ। अच्छा, जो घर के आपका हस्बैंड वो कहाँ गए? वो ड्यूटी में थे, वो तो बोले ना ड्यूटी में उनको पुलिस घेर के रखा है, वो फोन आता, हम बोले कि मेरे भैया CBI ऑफिसर, हम उनको बोलते अभी मत फोन करिए, अभी कुछ हल्ला मत करिए, अभी ये सब रिकॉर्ड नहीं करने का है। वो अकेले थे, हम तो अकेले मेरे घर में, वो अकेले देखे, बाहर कितना जन था हम नहीं देख पाए। कुछ वाइट लेके आए थे वैसे, क्या लेके आए थे वो पता चला? वो स्कूटर टाइप का था एक, तो कुछ बैग सामने लगा हुआ था, हम अंदर से ही देखे। कितना चोरी हुआ? कितना? 5 लाख। 5 लाख। कुछ नगद भी लेके गए? हाँ, 5,000 रुपया ले, 5,000 नगद, और बाकी कितना क्या? सोना का था 4 भरे का लगभग। थाना में कंप्लेन किया है? हाँ किया है, लेकिन वो लोग कुछ स्लिप उलिप नहीं दिए, वही अभी जाएंगे वो स्लिप को। आसनसोल नगर निगम द्वारा बड़ाकर के रानी बंगला में एक स्वास्थ्य केंद्र चलाया जाता है ताकि बड़ाकर के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके, लेकिन यहां बैठने वाले डॉक्टर को लेकर स्थानीय लोगों में काफी रोष है क्योंकि वह अक्सर समय पर नहीं आते हैं, मरीजों को 2 से 4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। रानी बंगला हॉस्पिटल अपने वाइफ को दिखाने के लिए 10 बजे आए, 10 बजे बैठे हुए थे, गर्मी को बहुत सारा पेशेंट था, डॉक्टर आया 2 बजे के बाद आया था। মানে হেলথ সেন্টারে একটি ANM আছে, ডাক্তারও নেই, এখন পর্যন্ত ডাক্তার আসেনি হেলথ সেন্টারে, ANM আছে, ANM-কে একটা ANM এর উপরে প্রেসার পড়েছে, মানে সমস্ত ভিড়টা ওইখানে পাঠিয়ে দিয়েছে হেলথ সেন্টারে, কিন্তু এখানে কিন্তু পেশেন্টটাকে দেখছে না। गुरुवार को स्वयं वार्ड नंबर 67 की पार्षद टुम्पा चौधरी हेल्थ सेंटर पहुंची तो पाया कि 2 बज गए हैं लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करने के लिए तरह तरह का बहाना बनाते हैं। रानी बांगला हॉस्पिटल थे के अमार कंप्लेन गई, जनसाधारण ने अमाके कंप्लेन करे छे कि डॉक्टर बाबू ठीक टाइम आसें ना, डॉक्टर बाबू ठीक करे देखें ना, আর যারা এখানে হসপিটালে আসেন তাদেরকে নাকি ছোট ছোট অসুখের জন্য রেফার করে দেওয়া হচ্ছে, আসানসোল, দুর্গাপুর, এগুলো কেন করা হচ্ছে, রেফার কেন করা হচ্ছে, এখানেও তো ছোটখাটো চিকিৎসা করা উচিত। আর ডাক্তারবাবু দেখুন, এটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর চেম্বার, এইখান থেকে ডাক্তারবাবু হাত দেখিয়ে দেখিয়ে এখান থেকে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেন। ডাক্তারবাবু আগে যদি হাত না দেবেন তো কী করে দেখতে পাবেন যে রোগীর কী হয়েছে না হয়েছে? মাস্ক পরে আসুন, এই পরে আসুন, এইসব বাহানা করছে, এরকম করলে কী করে জনসাধারণ কী করে করবে? আমার কাছে কী কমপ্লেন করছে বলুন, এগুলো উচিত ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু টাইমে আসেন না, এই দেখুন আমি আজকে এখানে এসেছি, এখন 1:30 বাজে, ডাক্তারবাবু আসার নাম নেই, এগুলো কী খবর? ঠিক টাইমে হসপিটাল খুলছে না, 10:30, 10:30, 11:30, 11:30 বেজে যাচ্ছে, হসপিটাল খুলছে না, মানুষ কোথায় যাবে? এই রোদের মধ্যে সব প্রেগনেন্ট রোগী আছে, প্রেগনেন্ট আছে, কি করবে ওরা বলুন? তোমারে ঘর কে ফার্নিচার বহুত আকর্ষক লাগতে লাগতে বহুত মহঙ্গা হ্যায়। আরে নহিং, উতনে মহঙ্গে নহিং, রিজনেবল রেট পর হি লিয়ে। আচ্ছা, ডিজাইন তো বহুত অ্যাট্রাকটিভ হ্যায়, লাগতা কোয়ালিটি মে দম নহিং হোগা। কোন কহতা হ্যায়, ইয়ে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড ক্লাস হ্যায়, পিওর সাগওয়ান কে কোয়ালিটি দার অর টিকাও ভি। ক্যা সচ মে? হ্যাঁ, তুমি ভি ফার্নিচার লেনা হো তো ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড এক বার জরুর জানা।
वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आदि मोहिनी मोहन कांजीलाल एकोन आसनसोले 116 जीटी रोड वेट्रन पेट्रोल पंपे ठीक ऑपोजिटे समस्त सम्मान निये रेडी रहेछे आसनसोल शोरूम। तात थेके लिलेन, मलमल थेके फैंसी, बालूचरी थेके कांजीवरम, प्रिंटेड सिल्के रकमारी, विष्णुपुरी सिल्के न्यू अराइवल कलेक्शन, पाशापाशी रयेछे लहंगा थेके गाउन, क्रॉप टॉप एवं मेल फ्रेंड्स एर बिपुल सम्भार। विभिन्न प्रोडक्टेर उपर रयेछे विभिन्न रकमेर डिस्काउंट, 5-50% स्पेशल बैशाखी अफर। तोमादेर तो आसतेई हबे, तोमादेर जानाई सादर आमंत्रण। आरो एकबार मने करिये दिई ठिकाना 116 जीटी रोड बेट्रन पेट्रोल पाम्पेर जस्ट अपोजिटे आदि मोहिनी मोहन गांधीलालेर आसानसोल शाखा अपेक्षा करछे शुधु तोमादेर जन्य। आसनसोल नगर निगम द्वारा बड़ाकर के रानी बंगला में एक स्वास्थ्य केंद्र चलाया जाता है ताकि बड़ाकर के लोगों को प्राथमिक चिकित्सा मिल सके, लेकिन यहां बैठने वाले डॉक्टर को लेकर स्थानीय लोगों ने काफी रोष है क्योंकि वह अक्सर समय पर नहीं आते हैं। मरीजों को 2-4 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। रानी बंगला हॉस्पिटल अपने भाई को दिखाने के लिए 10 बजे आए, 10 बजे बैठे हुए थे गर्मी को, बहुत सारा पेशेंट था, डॉक्टर आया 2 बजे के बाद आया था। हमेशा लेट आता है, जुम्मा का भी आते हैं तो हमेशा लेट आता है। সমস্যা আছে মানে আমাদের যে এরিয়া আছে বড়াকড়, মানে চারিদিকে টোটাল আমাদের এরিয়া আছে বড়াকড়ে হসপিটালের, সেই এরিয়ার মধ্যে যে বাচ্চাদের মাদের ডেলিভারি আছে, যাদের 4 সালের বাচ্চা আছে তাদের পোলিও ভ্যাকসিন আছে, 5 সালের যারা আছে তাদের পোলিও ভ্যাকসিন আছে, এই সমস্ত মেয়েরা মারা ছেলেরা আসছে, তাদেরকে এক হসপিটালের থেকে আমাদের হেলথ সেন্টারে পাঠিয়ে দিচ্ছে। মানে হেলথ সেন্টারে একটি এএনএম আছে, ডাক্তারও নেই, এখন পর্যন্ত ডাক্তার আসে না হেলথ সেন্টারে। এএনএম আছে, এএনএমকে একটা এএনএম এর উপরে প্রেশার পড়েছে, মানে সমস্ত ভিড়টা ওইখানে পাঠিয়ে দিয়েছে হেলথ সেন্টারে, কিন্তু এখানে কিন্তু পেশেন্টটাকে দেখছে না। गुरुवार को स्वयं वार्ड नंबर 67 की पार्षद टुम्पा चौधरी हेल्थ सेंटर पहुंची तो पाया कि 2 बज गए हैं लेकिन डॉक्टर का कोई अता पता नहीं है। पार्षद ने यह भी आरोप लगाया कि डॉक्टर मरीजों का इलाज नहीं करने के लिए तरह तरह का बहाना बनाते हैं। रानी बांगला हॉस्पिटल थे के আমার কমপ্লেন গাইছো, জনসাধারণ আমাকে কমপ্লেন করেছে কি ডাক্তারবাবু ঠিক টাইমে আসেন না, ডাক্তারবাবু ঠিক করে দেখেন না, আর যারা এখানে হসপিটালে আসেন তাদেরকে নাকি ছোট ছোট অসুখের জন্য রেফার করে দেওয়া হচ্ছে আসানসোল, দুর্গাপুর, এগুলো কেন করা হচ্ছে, রেফার কেন করা হচ্ছে, এখানে তো ছোটোখাটো চিকিৎসা করা উচিত। আর ডাক্তারবাবু দেখুন, এটা হচ্ছে ডাক্তারবাবুর চেম্বার, এইখান থেকে ডাক্তারবাবু হাত দেখিয়ে দেখিয়ে এখান থেকে ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করেন। ডাক্তারবাবু আগে যদি হাত না দেবেন তো কি করে দেখতে পাবেন যে রোগীর কি হয়েছে না হয়েছে? মাস্ক পরে আসুন, এই পরে আসুন, এই সব বাহানা করছে, এরকম করলে কি করে জনসাধারণ কি করে করবে? আমার কাছে কি কমপ্লেন করছে বলুন, এগুলো উচিত ডাক্তারবাবু? ডাক্তারবাবু টাইমে আসেন না, এই দেখুন আমি আজকে এখানে এসেছি, এখন 1:30 বাজে, ডাক্তারবাবু আসার নাম নেই, এগুলো কি খবর? ঠিক টাইমে হসপিটাল খুলছে না, 10:30, 10:30, 11:30, 11:30 বেজে যাচ্ছে, হসপিটাল খুলছে না, মানুষ কোথায় যাবে? এই রোদের মধ্যে সব প্রেগনেন্ট রোগী আছে, প্রেগনেন্ট আছে, কি করবে ওরা বলুন?